नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2021-22 को लेकर आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। लेवल फर्स्ट की फाइनल लिस्ट 8 अप्रैल को कट ऑफ है वो जारी होने वाली है, और आज दोस्तों आपका टॉपिक वाइज सिलेबस भी जारी होगा। तो रीट शिक्षक भर्ती की 2021 और 22 दोनों भर्तियों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। साथ में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप रीट के छात्र हैं और रीट की पल पल की अपडेट बिल्कुल सटीक जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर आपको रीट शिक्षा भर्ती की पल पल की अपडेट है वो देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, इसी बीच आपके 7 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म भी आपके दोस्तों यहाँ पर भरे जाएंगे, और अक्टूबर की जो एग्जाम है, जो दूसरा पेपर होना है दोस्तों अक्टूबर में, उसकी एग्जाम डेट क्या रहेगी उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर जुलाई में एग्जाम का, तो जुलाई के एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है दोस्तों। जुलाई से पहले आपका जून और मई का समय बचा है, अप्रैल चल रहा है दोस्तों, और 3 महीने का समय कम से कम सरकार को देना होता है। तो रीट शिक्षक भर्ती के तो जब 22 की जो 46,500 पदों पर भर्ती है उसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन 7 अप्रैल से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, और शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला का एक्सक्लूसिव जो बयान है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो रीट के बाद होने वाली शिक्षा भर्ती का सिलेबस जारी करने से जुड़ा है मामला। सिलेबस जारी होने के बाद उठी विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, पूरा जो सिलेबस है टॉपिक वाइज जारी करने की मांग उठी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए सिलेबस जारी किया गया है। 23-24 जुलाई को होगी रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा, उसके बाद संभवतः नवम्बर और अक्टूबर में परीक्षा का आयोजन की तैयारी है। जिस एजेंसी से भर्ती परीक्षा करवाई जाएगी उसके द्वारा ही भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, आपका जल्द ही पूरा सिलेबस है वो आपको देखने को मिलेगा। रीट 2022 का जो सिलेबस जारी किया गया है दोस्तों, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी 46,500 पदों पर। अक्टूबर और नवंबर के मध्य में आपकी एग्जाम होगी। डेट अभी फिक्स नहीं है, जैसे ही एजेंसी नोडल एजेंसी को चुन लिया जाएगा उसके बाद डेट और विस्तृत सिलेबस आपका जारी हो जाएगा। रीट के सिलेबस में जारी करने के बाद 46,500 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन है वो करवाया जाएगा। हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो सिलेबस जारी हुआ है उससे नाखुश भी है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है और जो सिलेबस है वो लगभग सेकंड ग्रेड का सिलेबस है वो बनाया गया है। हालांकि स्टूडेंट इसकी भी तैयारी करेंगे और आशा करता हूँ कि इसमें भी अच्छा स्कोर करेंगे। तो राजस्थान में जो रीट का आयोजन है, रीट परीक्षा का, वो 23 और 24 जुलाई को करवाया जाएगा, और 46,500 पदों पर रीट परीक्षा का आयोजन दोस्तों होगा। और अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आपको इसमें करंट भी देखने को मिलेगी। करंट की अगर बात की जाए तो करंट राजस्थान जीके और इंडिया करंट दोनों की करंट आपको इसमें देखने को मिलेगी। जो स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे, ये देख सकते हैं, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान के 90 क्वेश्चन, राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक प्रदर्शन निःशुल्क अनिवार्य, बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम का सामाजिक विषय 90 अंक। तो दोस्तों, सिलेबस जो जारी हुआ है दोस्तों वो 2013 के पोर्टल को ही फॉलो किया गया है। नेगेटिव मार्किंग भी थी और ये जो टॉपिक है दोस्तों ये भी उसमें थे। हालांकि सूचना तकनीकी, शैक्षिक रीति विज्ञान, ये दोस्तों कुछ टॉपिक हैं जो बढ़ाए गए हैं, अब इनके लिए आपको दोस्तों जो है अलग से स्टडी करनी होगी। शिक्षा भर्ती में 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 सवाल आएंगे। राजस्थान के सामान्य ज्ञान का वेटेज सबसे ज़्यादा रहने वाला है, 70% राजस्थान जीके रहने वाली है दोनों पेपरों की अगर बात की जाए। और हालांकि लेवल फर्स्ट में ज़्यादा है दोस्तों। अब और इसके फॉर्म दोस्तों आपके इसी सप्ताह में कभी भी नोटिफिकेशन जारी करके फॉर्म भरे जाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ रीट लेवल फर्स्ट से जुड़ा जो मामला है। आपको पता होगा दोस्तों, 8 अप्रैल को फाइनल लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, तुरंत बाद इसकी नियुक्ति प्रक्रिया होगी। तो रीट लेवल फर्स्ट की फाइनल कट ऑफ 8 अप्रैल को जारी होने वाली है। इसकी कट ऑफ में लगभग 7 से 8 अंक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसमें अंक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 7 से 8 अंक बढ़ रहे हैं। रीट लेवल फर्स्ट की जो नियुक्ति होनी है दोस्तों उसमें फाइनल कट ऑफ निकलेगी, 8 अप्रैल को जारी हो जाएगी, और 7 अप्रैल से आपके फॉर्म भी भरे जाएंगे। टॉपिक वाइज सिलेबस जल्द ही जारी किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। इसमें कहा गया है कि जैसे ही जो है एजेंसी की नियुक्ति करवा ली जाएगी उसके बाद आपका विस्तृत सिलेबस जारी हो जाएगा, तो 6 से 7 दिन बाद आपका पूरा सिलेबस आ जाएगा। हालांकि दोस्तों उसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे वो सिलेबस आपका एजेंसी के द्वारा दोस्तों निर्धारित किया जाएगा, जो आपकी एग्जाम करवाएगी। पहले आपकी नोडल एजेंसी एग्जाम कराती थी, अब दोस्तों देखना होगा कि कौन सी एजेंसी आपकी परीक्षा का आयोजन करवाएगी। तो रीट 2022 का सिलेबस जारी होने के बाद स्टूडेंट अपनी कंटिन्यूस तैयारी में जुट गए हैं। रीट की दोस्तों कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।